अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में जब भी हम कोई काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से ख़त्म कर सकते हैं कि हम जो बुरी स्मेल है वो कम अज़ कम ना आए, ठीक है? क्योंकि इससे बंदा बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है और किसी को बता भी नहीं सकता है अगर किसी से भी आ रही हो। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, बहुत ही मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म के हैक शेयर करने वाली हूँ, जिसको आपने फॉलो करना है तो आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद मुझे दुआएं देंगे, ठीक है? सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर, ठीक है? अगर आपकी जो आपने जिसमें बना के रखना है वो बड़ी है तो पूरा ग्लास ले लें, अगर मेरे जितनी है तो आप हाफ रोज़ वाटर, यानी कि हाफ ग्लास, ठीक है? ये मैंने हाफ ग्लास रोज़ वाटर लिया है। अब इसमें जो मैं दूसरी चीज़ डालूँगी वो है लेमन। लेमन जो है इसकी फ्रेग्रेंस आपको भी पता कितनी अच्छी लगती है, ठीक है? अब हम इसमें आधा नींबू जो है वो निचोड़ लेंगे, ठीक है? रोज़ वाटर हाफ कप और इसमें आधा लेमन वो हम इसमें निचोड़ लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें डलेगी वो है फिटकरी। आपको पता है फिटकरी आम शॉप से मिल जाती है, आपको इजीली मिल जाएगी, और इसमें मैं डालूँगी हाफ टीस्पून फिटकरी के, ठीक है? और ये मैंने पीसी भी है और ये इसलिए आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है? अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अपनी स्प्रे बॉटल में सेव कर लेना है। जब भी आप शावर लें, ठीक है, गर्मियां हैं, शावर ज़रूर लेना चाहिए, कम से कम दिन में दो दफ़ा लाजमी लें। और जब भी शावर लें आपने इसको करना है अपने जिस्म पे स्प्रे, स्पेशली अंडरआर्म पे, क्योंकि वहाँ से बहुत बुरी स्मेल आती है, ठीक है? तो आपने करना है इसका यूज़ और फिर आपको इसके बेनिफिट्स, वाह, आप दुआएं देंगे मुझे, स्पेशली बहुत अच्छा है ये, ठीक है? आपने इसको, ये मेरे पास अर्के गुलाब की ही बोतल थी और मैंने इसी में ही बना के इसको सेव करना था। और ये देखिए कितनी आसान सी टिप है, इसको आपने जब भी नहाएं आपने स्प्रे करनी है और बदबू को बाय बाय कर दें, इसकी कटिंग कम होती है, ठीक है? क्योंकि जो फिटकरी है हमारे जिस्म के पीएच लेवल को कम कर देती है, जिससे जिस्म जो है, बॉडी हमारी जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग कम होगी, और स्वेटिंग कम होगी तो ऑब्वियसली स्मेल भी नहीं आएगी, ठीक है? और ये जो स्प्रे आपके साथ मैंने जो शेयर किया है, इससे स्वेटिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और स्मेल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और इसका रेगुलर यूज़ आपको जो है ना इसका दीवाना कर देगा, स्पेशली ट्रस्ट मी, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, ठीक है? इसके साथ जो दूसरा हैक है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है दो चम्मच ले लें बेसन के, ठीक है? ये दो चम्मच मैंने बेसन के ले लिए हैं। अब इसमें आपने एक चम्मच जो है बेकिंग सोडा डाल देना। बेकिंग सोडा भी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा ये स्वेटिंग को कंट्रोल करता है और जो बदबू है उसको भी ख़त्म करता है। तो इसको अच्छे तरीके से मैं इसमें डाल लूँ, फिर आपके पास वापस आती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है? अब आप इसको किसी भी बोतल में या किसी भी डिब्बी में डाल के वॉशरूम में रख दें। उसके साथ ये करना है आपने कि जब भी आप नहाएं तो इसके आपने स्क्रब की तरह आपने इसको अपने जिस्म पे लगाना है, ठीक है? और मलना है, यानी कि जैसे साबुन लगाते हैं वैसा ही आपने इसको भी लगा लेना है। उसके बाद सादे पानी से आप नहा लें, यानी कि पानी गिरा लें। आपको आज का ये मेरा जो हैक है वो कैसा लगा है, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।